हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर में। दोस्तों, यूपी टीजीटी और पीजीटी जिसके फॉर्म अभी कुछ ही दिन पहले निकले थे, वो विज्ञप्ति निरस्त कर दी गई है। लेकिन इसकी वजह क्या है आखिर, तो एक ऑफिशियल लेटर के माध्यम से देखते हैं कि आखिर किस वजह से ये भर्ती निरस्त की गई है। आप इस लेटर के माध्यम से पढ़िए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का ये लेटर है। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक ही परीक्षा में तदर्थ शिक्षक और फ्रेश अभ्यर्थियों हेतु भिन्न भिन्न अंक देने की व्यवस्था में सुधार करने, जीव विज्ञान विषय को विज्ञापन में सम्मिलित करने की आवश्यकता एवं प्रतियोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सिविल अपील संख्या इतना संजय सिंह व अन्य बनाम यूपी शासन व अन्य में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जो कि 26 अगस्त 2020 के अनुपालन के दृष्टिगत जो विज्ञापन संख्या है जिसमें TGT एवं विज्ञापन संख्या 0220 PGT के विज्ञापन दिनांक 29 अक्टूबर 2020 को निरस्त किया जाता है। तो आप रीज़न समझ गए, रीज़न क्या है यहाँ पर। रीज़न दोस्तों ये है, आप शुरुआत में लिखा हुआ है कि तदर्थ शिक्षक और फ्रेश अभ्यर्थी दोनों को अलग अलग अंक देने की जो व्यवस्था की गई थी उसमें, और जीव विज्ञान के विषय को विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया था, तो इसको शामिल करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त 2020 को जो आदेश दिए थे उनका अनुपालन करना है, इसीलिए इन विज्ञापन को निरस्त किया गया है। और यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिख भी दिया है कि चयन बोर्ड द्वारा नए विज्ञापन की अधिसूचना अतिशीघ्र जारी की जाएगी और पहले जो लोग आवेदन कर चुके हैं अभ्यर्थी, उन्हें आवेदन करने की भी आवश्यकता होगी, किंतु दोबारा उनसे रुपए नहीं लिए जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये जो आदेश है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहले से ही फॉर्म अप्लाई कर दिया है फॉर्म के लिए, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि अब हमारे रुपए का या हमारे अप्लाई का क्या होगा। तो आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा जब भी फॉर्म निकलेंगे, लेकिन आपसे रुपए नहीं लिए जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसे याद रखिए। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।